मोदी की सभा में 11 लाख का कारपेट बिछाया, एक सभा पर खर्च हुए 45,53,000 रुपए। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। पीएम मोदी की सभा में 11 लाख का कारपेट बिछाया, एक सभा पर खर्च हुए 45,53,000 रुपया। 7,40,000 में हुई सोनिया खरगे की सभा राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में, 12 सीटों पर वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। इसके लिए प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचकर वोटिंग की अपील कर रहे हैं। इस दौरान पार्टी के स्टार प्रचारक भी राजस्थान में सभा और रैलियों करने पहुँच रहे हैं। इस चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों ने अब तक लाखों रुपए खर्च कर दिए, इसके लेखा जोखा हाल में प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को दिया है। इसमें सबसे बड़ा खर्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और रैलियों पर हुआ। आयोग के समक्ष प्रत्याशियों की ओर से पेश किए गए खर्चे की डिटेल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 सभा और रोड शो पर 76 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। ये सभाएं पिछले दिनों कोटपुतली और चूरू में हुई थी। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के पक्ष में पीएम ने 2 अप्रैल को कोटपुतली में सभा की थी, उस पर 30,31,000 रुपए खर्च हुए। वहीं राव राजेंद्र ने नामांकन भरने से लेकर 9 अप्रैल तक चुनाव प्रचार में कुल 59 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का भी खर्च शामिल है। 5 अप्रैल को शुरू में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो और जनसभा पर कुल 45,33,000 रुपए का खर्च हुआ। इसका खर्च सीकर, चूरू और झुंझुनू सीट के उम्मीदवारों में बांटा गया। ये सभा रोड शो इन 3 सीटों को साधने के लिए की गई थी। इन सभा में 11 लाख रुपए कारपेट बिछाने पर, 18,90,000 रुपए का वाटर प्रूफ टेंट लगाने पर, 72,000 रुपए का विशेष पंडाल बनाने, 1,12,000 रुपए मंच, 82,000 बसें लगाई गई, जिस पर 7,46,000 रुपए खर्च हुए। सभा में बैठने के लिए जो 30,000 कुर्सियां लगाई उस पर 2,10,000 रुपए खर्च हुए। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास और अनिल चोपड़ा के समर्थन में रैली करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की विद्याधर नगर सहित सभा में कुल 7,40,000 रुपए का खर्चा हुआ। बीकानेर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का 9 अप्रैल तक चुनावी खर्च कुल 28,24,000 रुपए है। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोलायत में हुई सभा का भी खर्च शामिल है। इस दौरान उनका कुल खर्चा 1,85,000 रुपए आया है। वहीं सीकर में बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के पक्ष में रोड शो करने आए गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में 1,21,000 रुपए खर्च हुए। चुनाव आयोग को मिले अब तक के खर्च ब्योरे पर नजर डालें तो प्रमुख पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों से सबसे ज्यादा खर्चा जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह का हुआ है। राव राजेंद्र सिंह ने 9 अप्रैल तक चुनाव खर्च में 59 लाख रुपए से ज्यादा राशि खर्च होने का ब्यौरा पेश किया है। धौलपुर करौली से कांग्रेस के भजनलाल जाटव, भरतपुर से संजना जाटव के अलावा बीजेपी से अलवर लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अब तक चुनाव प्रचार में 10 लाख रुपए से भी कम की राशि खर्च की है। पहले चरण की 12 सीटों पर अब तक सबसे कम राशि भजनलाल जाटव में 4,63,000 रुपए खर्च किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।